हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं 2013 में आई वर्ल्ड वार जी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहाँ जेरी अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जेरी इससे पहले CIA में हुआ करते थे लेकिन अब वो अपना जॉब छोड़कर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जेरी अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे पर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। काफी देर होने पर वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिससे जेरी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जेरी अपना रेडियो चालू करते तो एक संदेश दिया जा रहा था कि एक महामारी जो ताइवान में शुरू हुई थी अब वो 12 देशों में फैल गई है। अब जेरी अपने कार से बाहर उतरते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ कुछ दूर पर ब्लास्ट होता है और एक ट्रक सभी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। जेरी को उसे देखकर एक आइडिया आता है। जेरी अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगा लेते हैं पर तभी अचानक से जेरी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी अपने कार से नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है और सभी एक दूसरे को काट रहे हैं और वो 12 सेकंड में ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। जेरी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब जेरी वहाँ से एक कार लेते हैं, वो अपने फैमिली को लेकर उस शहर से बाहर निकल जाते हैं। अब जेरी अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। उनका फ्रेंड कहता है हाँ मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं कि तुम हमारे फ्रेंड हो बल्कि तुम्हारी हमें जरूरत है। जेरी एक शॉप में जाते हैं, वो अपने खाने पीने की चीजें लेते हैं और अपने बेटी का इनहेलर लेते हैं लेकिन जब वो बाहर आते थे वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ नहीं थी बल्कि किसी ने चोरी कर ली थी। अब जेरी अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं और कहते हैं मैं इस शहर के सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ से तुम्हें सिग्नल दूंगा। जेरी का फ्रेंड कहता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ से निकाल लूंगा। अब जेरी उस बिल्डिंग में जाते हैं पर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, वो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। जेरी उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी एक बेटी बिल्डिंग में उनसे अलग हो जाती है। अब जेरी और उनकी वाइफ उसे ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कि जेरी की लड़की डोर के सामने खड़ी होकर कहती हमें अंदर आने दो क्योंकि उस बिल्डिंग में अभी भी एक फैमिली बची हुई थी। अब वो फैमिली उन्हें एक रात के लिए पना देती है। अगली सुबह जब जेरी उठते हैं तो उनसे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगे, हमें हेलीकॉप्टर लेने ऊपर टेरिस पर आएगा, लेकिन वो फैमिली उसे मना कर देती है। जेरी अपने परिवार के साथ सीढ़ियों की मदद से उस टेरिस पर जाने लगते हैं और तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसे बचा लेता है। वो लड़का उसी फैमिली का होता है। दरअसल कुछ समय पहले जब जेरी वहाँ से निकले थे तो ज़ॉम्बीज उस परिवार पर अटैक कर दिए थे। अब जेरी भागते हुए टेरिस के ऊपर जाते हैं, वो किनारे पर खड़े हो जाते हैं और 12 तक काउंटिंग करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ज़ॉम्बीज का खून मेरे मुंह में चला गया था। इससे ये साबित होता है कि ज़ॉम्बीज जब काटते हैं तभी वायरस फैलता है। पर तभी बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन वो सोल्जर उन्हें मारने लगते हैं। जेरी जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं, अपने न्यूयॉर्क के एक शिप पर ला जाता है। जेरी का फ्रेंड उन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट मारे गए और ये वायरस बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके कारण हमारे पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है और सभी संसाधन भी रोक दिए गए हैं और इनसे लड़ने के लिए हमारे पास हथियार भी नहीं है। जेरी का फ्रेंड ये भी बताता कि ये डॉक्टर फेस्टेज है, इस महामारी का पता लगाने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं है। और सबसे पहले इस महामारी का जिक्र हैम्फेस साउथ कोरिया में हुआ था। साउथ कोरिया से हमें ईमेल भेजा गया था, इसके बाद उन लोगों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। अगर हमें पता चल जाए कि सबसे पहले इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो हम इसका एंटीडोट बनाकर इस महामारी को रोक सकते हैं। इस महामारी का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फैसज को भेज रहे हैं पर तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो जेरी से डॉक्टर को साउथ कोरिया ले जाने को कहता है। तुम इससे पहले बहुत सारे युद्ध में गए हो तो तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन जेरी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑफिसर कहता है कि इस शिप पर जितने भी लोग हैं कोई न कोई मकसद से हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो इस शिप पर अनावश्यक लोगों के लिए जगह नहीं है और तुम्हें नीचे उतार दिया जाएगा, क्योंकि अब जेरी के पास कोई चारा नहीं होता है। जेरी डॉक्टर को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनकी प्लेन साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाती है। अब उनकी प्लेन साउथ कोरिया में लैंडिंग करती है। अब वो प्लेन से नीचे उतरते हैं पर तभी अचानक ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर डॉक्टर बहुत घबरा जाता है। वो प्लेन में वापस भागता है लेकिन अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक बैकअप के लिए टीम आ जाती है, वो उन्हें बचा लेते हैं और वो उन्हें बचाकर चेक करके अपने कैब में ले जाते हैं। अब जेरी उनसे कहता है यहाँ से एक ईमेल भेजा गया था, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, जिसमें लिखा था ज़ॉम्बीज। अब वो ऑफिसर जेरी को उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर कई लोग जले पड़े थे। ऑफिसर बताता कि कर्नल के हिसाब से सबसे पहला मरीज डॉक्टर था। इस कमरे में लगभग 15 से 16 लोग थे। वो डॉक्टर को जब पकड़कर बांधने गए तो डॉक्टर सबको काट लिया। इससे पहले डॉक्टर एक बेस पर तैनात था। जब वो वापस वहाँ से लौटा तो उसे एक कोरियन सोल्जर की मौत का छानबीन करने के लिए भेज दिया गया था। वो सोल्जर हफ्ते भर से गायब था। जब वो उन्हें मिला तो उसके मुंह से काली झाग निकल रही थी।
फिर इसके बाद डॉक्टर यहाँ आकर अपने मरीजों पर हमला करने लगा। वहीं पर उन लोगों ने एक आदमी को जेल में कैद कर रखा था जो नॉर्थ कोरिया को बंदूकें बेच रहा था। जेरी उससे पूछता कि तुमने नॉर्थ कोरिया को गन क्यों बेची, क्या नॉर्थ कोरिया गन की मदद से बच गया? अब वो आदमी जेरी को बताता है कि गन का इतना भी उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि जब उन्हें पता चला कि ये वायरस काटने से फैल रहा है तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर सारे इंसानों के दांत खींचकर बाहर निकाल दिया। अगर दांत नहीं रहेंगे तो काटेंगे कैसे, जिसे वायरस फैलेगा ही नहीं। और इजराइल इन वायरस से कैसे बच रहा है, क्योंकि हमला होने से पहले उन लोगों ने चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन जेरी उसे कहते हैं कि वो लोग तो कई सालों से दीवारें बना रहे हैं। तो वो आदमी उसे बताता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें इसका जवाब इजराइल में ही एक आदमी दे सकता है, तुम्हें उस आदमी से मिलना चाहिए। लेकिन जेरी के प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था, अब वो सब एक प्लान बनाते हैं। अब वो साइकिल से प्लेन तक जाने लगते हैं और उनके पास एक ही मौका होता है प्लेन में फ्यूल भरने का। पर तभी जेरी की वाइफ कॉल कर देती है। फोन की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे कर जेरी के प्लेन में फ्यूल भर देते हैं। अब जेरी के प्लेन इजराइल के लिए रवाना हो जाती है। अब जेरी अपने वाइफ को कॉल करते हैं और बताते हैं कि कोरिया में उनका काम नहीं हुआ, वो इजराइल जा रहे हैं। इधर उनका प्लेन इजराइल में लैंड करता है। अब जेरी को वहाँ सिक्योरिटी दी जाती है और हेलीकॉप्टर से उस आदमी के पास ले जाया जाता है। जेरी वहाँ एक उच्च स्तर के ऑफिसर से मिलते हैं। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि सबसे पहले हमें हिंदुस्तान से एक खबर भेजी गई थी जिसमें लिखा था कि हम ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। पर जेरी उसे कहता है, मौसाद का एक आला ऑफिसर इतनी सी बात पर भरोसा कर लिया और तुमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली जिसमें लिखा था बस ज़ॉम्बी। अब वो अफसर जेरी को 10वें आदमी के बारे में बताता है, अगर हम में से 9 लोग एक ही इन्फॉर्मेशन से एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं तो 10वें के उन 9 से असहमत होना चाहिए और 10वें को ये मानकर चलना चाहिए कि वो बाकी के 9 लोगों से अलग है और वो 10वां आदमी मैं हूँ। मैंने बस ज़ॉम्बी शब्द सुनकर उस पर छानबीन करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर मैंने अपने चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी करवाना शुरू कर दी। वो अफसर लोगों को अंदर भी आने देता है। वो कहता है, हम जितने को बचाएंगे उतने ज़ॉम्बी कम पैदा होंगे। पर वहाँ पर कुछ लोग गाना बजाना कर रहे थे, उनकी आवाज बहुत तेज होती है, ज़ॉम्बी उनकी आवाज सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए थे, ज़ॉम्बी एक के ऊपर एक चढ़ते ही जा रहे थे। कुछ ही देर बाद वो दीवार को पार कर जाते हैं और सभी पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर पूरा अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन जेरी ये नोटिस करते हैं कि कुछ लोगों को ज़ॉम्बी नहीं काट रहे हैं बल्कि उनके पास से ही गुजर जा रहे हैं। वहीं जेरी सिक्योरिटी की मदद से बाहर निकल रहे थे, पर तभी अचानक उनमें से एक ज़ॉम्बी उस लेडी सोल्जर को काट लेता है। अब जेरी जल्दी से नाइफ उठाते हैं और उस लेडी का हाथ काट देते हैं। जेरी उस लेडी के जख्मों को अच्छी तरह से बांध देते हैं। अब जेरी 11 सेकंड तक काउंटिंग करते हैं, लेकिन वो लेडी सोल्जर ज़ॉम्बी नहीं बनती है। अब जेरी वहाँ से प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। अब जेरी अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और कोई नजदीकी रिसर्च सेंटर के बारे में पूछते हैं। अब जेरी का फ्रेंड उन्हें WHO रिसर्च के बारे में बताता है। जेरी का फ्रेंड जहाज के कैप्टन से बात करता है, वो उन्हें वहाँ पर लैंड कराने के लिए कहता है। लेकिन उसी प्लेन में एक इन्फेक्टेड आदमी भी चला गया था जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और सभी को काटना शुरू कर देता है और सभी ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं जो कि प्लेन के दूसरे हिस्से में होते हैं। जेरी ये देख लेते हैं। वो सभी से कहते हैं, आवाज किए बिना सभी अपना सूटकेस वहाँ लेकर आओ। वो दरवाजे पर रखने लगते हैं, पर तभी एक आदमी से गलती से सूटकेस गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। अब वो उन पर भी अटैक करने लगते हैं। अब जेरी को एक आइडिया आता है, वो ग्रेनेड का पिन खींचते हैं और ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक देते हैं जिससे प्लेन में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के कारण प्लेन में हवा चल जाती है और सभी ज़ॉम्बी नीचे गिरने लगते हैं और उनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश में जेरी और वो लेडी बच जाते हैं, पर जेरी बहुत जख्मी हो चुके थे, उनके अंदर एक नुकीली रोड घुस चुकी थी। जेरी वो लड़की WHO रिसर्च तक पहुंच चुके थे, लेकिन जेरी का बहुत ज्यादा ब्लड निकलने के कारण जेरी बेहोश हो जाते हैं। अब रिसर्च के लोग जेरी को ले जाते हैं और उनका अच्छा से इलाज करते हैं, पर जेरी की जब आंखें खोलती है तो उन्हें 3 दिन हो चुका था। अब जेरी उन्हें अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कहता है। जेरी का फ्रेंड उन्हें बताता है कि जेरी के फैमिली को यहाँ से निकाल दिया गया है, मुझे लगा था कि जेरी मर गया है। और जेरी को अपने परिवार की फिक्र होने लगती है। जेरी को एक आइडिया आता है, वो उनसे रोगाड़ू मांगते हैं, क्योंकि जेरी का मानना था कि वो इस वायरस का प्रयोग उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन वो जेरी को बताते हैं कि हम इसका प्रयोग पहले ही ज़ॉम्बीज पर कर चुके हैं, लेकिन मरे हुए को हम कैसे मार सकते हैं। अब जेरी उन्हें बताते हैं कि ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हम खुद को इन्फेक्टेड करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को नहीं काटते बल्कि उनके पास से ही गुजर जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अंदर पहले से कोई बीमारी पनप रही हो। और ज़ॉम्बी को एक स्वस्थ शरीर चाहिए अपना वायरस फैलाने के
लिए, और मुझे लगता है इसी कारण वो ज़ॉम्बी उन बीमार लोगों को नहीं काटते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे थ्योरी को साबित करने के लिए एक ही रास्ता है कि कोई अपने आप को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड कर ले और ज़ॉम्बी से आमने सामने जाकर मिले। वो जेरी को बताते कि हमारे पास सभी बैक्टीरिया और वायरस है लेकिन वो B1 में है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि महामारी से कुछ समय पहले हमने डॉक्टर के पास एक ब्लड सैंपल भेजा था जिसे डॉक्टर जांच कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद ज़ॉम्बीज बन गए और B1 में जितने भी डॉक्टर थे सभी ज़ॉम्बीज बन गए हैं। अब वो लोग उस वायरस को लेने जाते हैं, उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है जो उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से जानते हैं। वो सब बिना आवाज किए ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे थे, पर तभी डॉक्टर की छड़ी एक बॉक्स पर लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन लेडीज सोल्जर उस पर फायर कर देती है और उस गन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। अब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब वो दो टीमें बढ़ जाते हैं। जेरी अपने छड़ी से स्टील पर टैप करते हैं जिसकी आवाज सुनकर कुछ ज़ॉम्बी जेरी की तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडीज और डॉक्टर के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। वो सब भागते हुए जाते हैं, डोर को बंद कर देते हैं और खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब लैब में जेरी अकेले फंस गए थे। वो जैसे तैसे कर उस कमरे तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो कमरा लॉक होता है। जेरी उस कमरे का कांच तोड़ने जाते हैं तभी वहाँ की एक लेडी फोन करती है और उन्हें उस कमरे का कोड बताती है। जेरी उस रूम को खोलते हैं और उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोगाणु और वायरस रखे हुए थे, लेकिन जेरी को सही सैंपल के बारे में पता नहीं होता है। वो सभी सैंपल को भरना शुरू कर देते हैं, पर तभी वहाँ गेट पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेरी के पास कोई चारा नहीं होता और जेरी को एक आइडिया आता है। वो एक नोट लिखते हैं और कैमरे के सामने ले जाते हैं जिसमें लिखा था कि परिवार से कहना मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब जेरी वहाँ से एक वायरस लेते हैं और खुद को इन्फेक्टेड कर लेते हैं, लेकिन जेरी को शक था कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। अब जेरी कुछ देर तक वहाँ वेट करते हैं। जब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते तो वो डोर खोल देते हैं। अब ज़ॉम्बीज और जेरी आमने सामने खड़े थे लेकिन वो ज़ॉम्बी जेरी को कुछ नहीं करता है और जेरी ज़ॉम्बीज के सामने से ही निकल जाते हैं और जेरी बहुत खुश होते हैं। अब जेरी वहाँ से बाहर आते हैं, एक फ्रीजर मशीन को चालू कर देते हैं जो साउंड करने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज लैब की तरफ भागने लगते हैं और जेरी उनके बीच से बाहर आ जाते हैं और जेरी ने एक कर दिखाया। जेरी अपने परिवार के पास जाते हैं, वो अपने परिवार से मिलते हैं और उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जेरी कहते हैं ये अंत नहीं है बल्कि ये तो शुरुआत है। अब उस टीका को सभी दुनिया में फैला दिया जाता है। उस टीका के मदद से सभी ज़ॉम्बी से लड़ना सीख जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।